नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर आई हूं एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने ढेर सारा गेंदा का फूल है, तो आज मैं जो है गेंदे का फूल का रेसिपी बनाने वाली हूं, जो कि आप सबको बहुत ही फायदे का चीज होगा और बहुत ही जो है अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए ढेर सारा फूल खिला हुआ है। अगर आपके घर में फूल है तो फूलों का भी इस्तेमाल घर में कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम लेते हैं गेंदे का फूल। तो रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने बगीचे का थोड़ा सा सैर कराएंगे, क्योंकि इसमें सीजन बहुत अच्छा है। हमारे सभी फलों में जो सभी पेड़ में जो है फल आ रहे, बौर आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं और फल लगने वाला है। थोड़ा सा सैर कराएंगे उसके बाद रेसिपी बनाएंगे। वीडियो हमारे पहले पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो ये देखिए ढेर सारा जो है इधर जो है फूल हमने लगाया हुआ है, गेंदे का फूल है। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम हर पौधे के पास जाते हैं, देखते हैं कौन सा पौधा हमारा खराब हो रहा है, कौन सा पौधा हमारा अच्छा है। ये देखिए कुछ बड़ा वाला जो है गेंदे का फूल है, इसका जो है हम बीज के लिए रखे हैं। इस पेड़ को फूल को तोड़ने नहीं देते हैं, और पक जाएगा तो इसका हम जो है पूरा बहुत जो है अगले साल हम बहुत अच्छे से जो है इसका खेती करेंगे। तो ये देखिए नींबू में ढेर सारा जो है फूल आ गया है दोस्तों। ये नींबू फरता है तो साल भर पेड़ में लगा रहता है। अभी 20 दिन हुए हैं नींबू को ख़त्म हुए, और पकने के बाद नींबू ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा फूल आ चुके हैं और 1 साल के नींबू फटता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। इसका रस बनाइए, रेसिपी बनाइए, अचार बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसमें हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बगीचे में काफ़ी ढेर सारा नींबू में फूल आया है। और ये है जो है देसी अनार, ये देसी अनार है। देखिए इसमें भी जो है काफ़ी फूल और ढूंढ आ चुके हैं, ये भी फरने वाला है। देखिए ढेर सारा ऊपर गया है, ऊपर देखिए। तो इधर देखिए एक छोटा सा जो है हमारा आम का पेड़, कितना ज़्यादा कितना बड़ा जो है आम का बोर लिया हुआ है। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए छोटा सा जो है पौधा है, इसकी हमने अच्छे से गुड़ाई, खाद, पानी सब दे दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा बौर इसमें आया हुआ है। तो ये देखिए ये है जो है बाटल ब्रश, बहुत ज़्यादा इसमें जो है कली निकला हुआ है खिलने के लिए। देखिए एक जो है कली खिली हुई है और सभी में ढोर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ढोर से जो है पूरी तरह से पूरा जो है एकदम भरपूर है। जब ये खिलेगा लाल तो बहुत ही सुंदर लगेगा, और नीचे देखिए लटक के आ गया है सब जो है। और इधर हम पहुंच गए हैं अपने लीची के पेड़ के पास, और एक भैया ने कमेंट किया था जो है दीदी आप लीची का क्या सेवा की है बताई नहीं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे लीची का हमने कौन सा सेवा किया है, जो कि हमारा पौधा बहुत ही हरा भरा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से इसमें से कली निकली हुई है फरने के लिए। तो इधर देखिए नीचे हमने जो है थोड़ा सा जो है 3 फीट जो है पेड़ से दूरी बनाकर यहाँ पे से हमने चारों तरफ से गड्ढा खान के इसमें हमने 10 किलो जो है गोबर वाली खाद हमने डालकर इसे ढककर भराई सिंचाई के लिए है अच्छी से। और आम का हमने क्या सेवा किया है, आम को हम जो है साल में 2-3 बार गुड़ाई करते हैं। अगर हमारे पास जो है गोबर वाली खाद है तो गोबर को डालते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं जो सरसों का खरी होता है उसको डालकर उसको बाद भराई कर देते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छे से पेड़ को बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही अच्छा जो है इसमें बहुत ही अच्छे से फल आता है, फूल आता है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल फूल आते हैं। इधर हम पहुंच गए हैं छोटी इलायची के पास। देखिए ये भी हमारा पौधा बहुत ही तेजी से विकास किया हुआ है, हरी हरी पत्तियां निकल रही हैं। तो हमको लग रहा है इसको 3 साल जो है हमें लगाए हुए हो गया है, तो हो सकता है हम उम्मीद लगाए हैं कि इसमें फल आए। अगर फल आएगा तो आप सबको दिखाएंगे, अभी तो नहीं आया है। हमें लग रहा है कि भरोसा है कि गर्मी में फल जो है आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 वैरायटी का केला लगाया हुआ है, छोटा वाला है, देखिए इसमें फल आ चुका है। और बगल में देखिए दूसरा वाला, इधर देखिए कली केले का निकला हुआ है फरने के लिए। जब केला पूरी तरह से फर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने जो है केले का डंठल को तोड़ दिए हैं, तो केला जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो इसको जो है फरने के बाद तोड़कर हम सब बगल में रख देते हैं। तो अब यहाँ से हम तोड़ेंगे फूल, तो हमें 2 जो है गेंदा का फूल का आवश्यकता है, तो 2 गेंदा का फूल हम तोड़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं छत पे जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो इधर आग हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, और भगोने को हम रख देंगे चूल्हे पर। इसमें हम डाल देंगे जो है 1 लीटर पानी। में हम उबाल आने देते हैं। तो पानी हमारा जो है पानी में हमारे जो है उबाल आ गया है, तो अब हम जो है सबसे पहले गेंदे का फूल जो है धो लेंगे। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ गेंदे का फूल का काढ़ा, और गेंदे का फूल का जो आज हम काढ़ा बनाएंगे दोस्तों, ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। गेंदे का फूल का काढ़ा पीने से जो है इम्यूनिटी बहुत तेजी से शरीर में बढ़ता है। अगर आपके दांतों में पायरिया है, पायरिया को तो है पूरी तरह से ठीक करता है। और जो है आपके पेट में अगर गैस है, गैस को भी इस काढ़ा को पीने से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से हम जो है फूल को इस तरह से डाल देंगे पानी में पकने के लिए।
तो गेंदे का फूल को हमने डाल दिया है। अब इसे हम ढककर जो है पूरी तरह से उबाल लेंगे ताकि जो है फूल का जो है इसमें जो है कलर अच्छे से पानी में हो जाए। तो ढककर इसे हम पकाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि गेंदे का फूल जो है पूरा उसका कलर जो है पानी में आ गया है। इसी समय हम जो है पतीले को नीचे उतार देंगे। तो एक चम्मच इसमें हम गरम गरम काढ़ा में डाल देंगे मधु। मधु को पानी में अच्छे से हम कर देंगे मिक्स और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने छन्नी लिया हुआ है। अब हम जो है काढ़े को छान लेंगे एक बर्तन में। गिलास में हम सर्व कर लेंगे पीने के लिए। और पीकर भी हम आप सबको दिखाते हैं कितना अच्छा हमारा जो है काढ़ा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।